देख कम आई है, क्या चाहिए तुझे? रोटी? अच्छा मैं भी मंगवा देती हूँ। चंपा, ओ चंपा जी, देखो घास की रोटी का टुकड़ा कुंवर के लिए रखा था, वो लिया, मुन्नी भूखी है। अच्छा चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चे। लीजिए देख, चुपचाप यहाँ बैठ के खा लेना, हाँ मैं अभी आती हूँ, चल चंपा मेरे साथ। हत्यारे कहेंगे, चुप हो जाओ। ले चंपा इसे बाहर ले जाओ, अपने आप चुप हो जाएंगे। जैसे तैसे थोड़ी सी नींद आई थी, वो भी टूट गई, फिर से सो जाइए स्वामी। नहीं अब हम नहीं सो सकते। क्यों? कई दिनों से तो घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे आप जाग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए तो सो जाइए। जब से हम मेवाड़ के गद्दी पर बैठे तभी से सो रहे हैं, आज खोरी ने हमें जगा दिया। ऐसा मालूम होता है हमने इस लंबी नींद में सोकर सब कुछ खो दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? आज जब हम भिखारन की तरह घूमते हैं, इस मेवाड़ की लक्ष्मी को देखते, रोटी के दो टुकड़ों के लिए धुलकते हुए बच्चों की आवाज सुनते, तो हमारे कलेजा कांप उठता। स्वामी आप कह रहे हैं? क्या देशभक्ति का यही पुरस्कार? क्या भगवान का यही न्याय? बस जरा से धक्के से हिल गए हम तो क्या, इस धक्के से हिमालय भी हिल सकता। हमारी सिद्ध ने, हमारी हट ने आज हमें यहाँ पहुंचा दिया। आज ही हम अकबर को संधि पत्र भेजते। क्या कहा, संधि पत्र भेजेंगे? हाँ। बहुत अच्छा सोचा आपने, और जितनी भी जल्दी हो सके लिख दीजिए संधि पत्र। लिखने के लिए शाही और लिखनी चाहिए वो मैं मंगवाती हूँ। चंपा, ओ चंपा जी, जरा कुमरी को तो यहाँ ले आना। आपको संधि पत्र लिखने के लिए शाही चाहिए ना, इससे अच्छे शाही और कहाँ मिलेगी? इससे लिखा हुआ संधि पत्र सात समंदर के पानी से भी नहीं धुल सकेगा। बस कर लवी जी, बस कर, हमसे भूल हुई। भूल आपसे नहीं, भूल तो मेरी कोख से हुई है, जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया जो मेरे स्वामी को कर्तव्य से निकाल रही है। ऐसी संतान का मर जाना ही अच्छा है। बस लाड़ी जी, बहुत हो चुका है, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हिंदू पति परताप पत राखो हिंदुआण री, सहो विपत संताप सत्य शपथ करियापणी। आओ शीतल, अच्छे समय पे आए, अकबर को मेवाड़ चाहिए और साथ साथ हमारा झुकावा मस्तक जो उसे कभी नहीं मिल सकता, चाहे हमें उसके लिए मेवाड़ का त्याग करना पड़े। ऐसा कभी नहीं हो सकता राणा जी। भामाशाह, जब तक ये मेवाड़ का मंत्री पीढ़ियों का चाकर बूढ़ा भामाशाह जिंदा है, तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता। अन्नदाता, आज मैं एक प्रार्थना लेकर आया। कैसी प्रार्थना राणा जी? महाराणा कुंभा के समय से हमारा वंश आप ही के दिए हुए अंश से पलाया है। तब से लेकर आज तक हमने जितना भी धन इकट्ठा किया हुआ है वो सब मैं आपकी सेवा में भेंट करना चाहता हूं। इस धन से आप मेवाड़ की मुक्ति का उपाय कीजिए महाराज। भामाशाह, मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भामाशाह, क्या तुम मेवाड़ के उद्धार के लिए इतना बड़ा बलिदान कर सकते हो? नहीं तो महाराज, मेवाड़ का बच्चा बच्चा
आपके एक इशारे पर सब कुछ निछावर कर सकता है। धन्य हो तुम मेवाड़ के मंत्री ही नहीं बल्कि उद्धारक कहलाओगे। हम स्वीकार करते हैं त्याग संसार में हमेशा अमर रहेगा। मेवाड़ के त्याग जय 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 मेवाड़ घर जय राणा सिर मोड़। कृपया सालार मिर्जा खान लिखते हैं कि प्रताप की फौज तूफान की तरह आगे बढ़ रही है और देवीर का किला शाही कब्जे से निकल चुका है। क्या कहा? देवीर शाही कब्जे से निकल गया? हमारी फौजें पीछे भाग रही। दुश्मन की फौज तूफान की तरह आगे बढ़ रही है। हमारी फौजें हर मोर्चे से पीछे हट रही है। गंगूदे में प्रताप का कब्जा उदयपुर पर चढ़ाई की तैयारियां हो रही है। सिपाही अब्दुल्ला की फौजें गाजर मूली की तरह कट रही है। कुंभलमेल हमारे हाथों से निकल गया।